हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे बीएससी फाइनल ईयर का सीएफटी टॉपिक यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, जो कि दिया था हेंज बेथे ने। ठीक है, तो ये आपकी कई सी थ्योरीज होती हैं आयनिक बॉन्ड के लिए या फिर कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, जिसमें कि वीबीटी अपन ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, सेकंड ईयर में पढ़ी थी, वीबीटी के दोष पढ़े थे सेकंड ईयर में। तो फाइनल ईयर में अपने आता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यानी क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। अब इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्ड के अंदर जो भी होता है इनके एग्जाम्पल दिए जाते हैं। स्थिर विद्युत क्षेत्र के अंदर क्रिस्टलों में पाए जाने वाले जो बंध होते हैं, या वो आयनिक प्रकृति के हैं या वो सहसंयोजक प्रकृति के हैं, ये ज्ञात करते हैं अपन सीएफटी के द्वारा। तो इसमें हेंज बेथे ने क्या किया, क्रिस्टलों में पाए जाने वाले स्थिर विद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र आयन को रखकर उसके ऊर्जा स्तरों में आने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया था, जिससे उनको क्या पता चला कि इनके बीच में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं आपस में, ऑर्बिटल्स किस तरीके से ओवरलैप कर रहे हैं या किस तरीके से आपस में रीअरेंजमेंट करके, पुनर्वितरण करके इलेक्ट्रॉन्स का जो है ये बंध बना रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आता है मेटल लिगेंड बॉन्ड। मेटल लिगेंड बॉन्ड क्या होता है, 100% आयनिक होता है, जिसके अंदर क्या होता है, मेटल पर तो क्या होता है, आपके मेटल पर तो होता है प्लस चार्ज और लिगेंड पर होता है माइनस चार्ज। तो इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड होना चाहिए, आयनिक बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि ये आयनिक प्रकृति के ये जो है दो एलिमेंट्स हैं, जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड के अंदर अपन को ध्यान है किसी भी मेटल में से कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाता है जिससे कि मेटल में क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। और लिगेंड में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में अष्टक पूर्ण करने के लिए ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए क्या आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसमें एम प्लस और एल माइनस, एम स्टैंड्स फॉर मेटल एंड एल स्टैंड्स फॉर लिगेंड। तो इनके बीच में क्या होता है, 100% आयनिक बॉन्ड होता है, लेकिन इसके अंदर मेटल जो होता है ये आयन के रूप में होता है और जो लिगेंड है ये पॉइंट चार्ज यानी कि बिंदु आवेश के रूप में कार्य करता है। लेकिन हेंज बेथे ने क्या देखा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर, कि इनमें पूर्ण तरीके से आयनिक बंध नहीं पाए जाते हैं, इनमें जो है कुछ कोवलेंट कैरेक्टर भी होते हैं, यानी केवल इन आयनों की वजह से ही आपस में बंध नहीं बन रहा होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की भी शेयरिंग होती है, जिस वजह से क्या होता है, दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, जिसे कि स्थिर विद्युत आकर्षण कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, डी कक्षकों का विपाटन होता है, किसकी वजह से, प्रतिकर्षण की वजह से। डी कक्षक अपन को पता है पांच टाइप के होते हैं, पांच प्रकार के डी कक्षक होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। पांच तरीके के डी कक्षक होते हैं, जिनके अंदर की प्रत्येक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, यानी कि डी कक्षक पांच प्रकार के हैं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। जैसे कि अपनी अलग अलग श्रेणियां होती है, डी श्रेणी है, 3D, 4D, 5D श्रेणी, जिसके अंदर क्या होता है, डी इलेक्ट्रॉन जो है इनके अंदर अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से भरे जाते हैं। अब डी कक्षकों की ऊर्जा का विपाटन क्यों होता है, पहले तो होता है ये जो चारों पांचों जो कक्षक हैं, डी ऑर्बिटल्स जो है पांचों, इनकी ऊर्जा क्या होती है, इनकी ऊर्जा समान होती है, परंतु जब इनके बीच में ऊर्जा का विपाटन का कारण क्या होता है, जैसे ये मेटल है आपके डी ऑर्बिटल, डी श्रेणी का मेटल है, ठीक है, 3D का भी हो सकता है, 4D का भी हो सकता है और 5D का भी हो सकता है, इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी तो है, या जितने भी मान लो n इलेक्ट्रॉन है, इसमें n इलेक्ट्रॉन की कमी तो है, परंतु क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट भी तो है, अंदर के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट भी है, और जो बाहर से लिगेंड आता है इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता पाई जाती है, जिससे कि इसमें जो पहले से आंतरिक कोशों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनमें और जो लिगेंड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन दोनों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण किस वजह से होता है, क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रॉन्स पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा आपस में, जिससे कि क्या होता है, आयनों के अंदर धातु आयन के कक्षक में, धातु आयन के कक्षक के इलेक्ट्रॉन
और ऋण आवेशों यानी कि लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, जिससे कि क्या होती है, ऊर्जा निकलती है, जिसे बोलते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। इसे बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा बोलते हैं। अब इसके अंदर अपन क्या देखते हैं, CFSE को अच्छे से समझते हैं अपन। काफी बार कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है CFSE का क्वेश्चन, ये ध्यान रखना, ये स्टेबिलाईजेशन एनर्जी है, ठीक है। एक होती है आपकी स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जो कि हमेशा 10 dQ होती है, वो अपन आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। ये है आपके CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। ध्यान रखना, स्प्लिटिंग नहीं है, ये स्टेबिलाईजेशन एनर्जी है। इसके अंदर क्या होता है, डी कक्षकों का विपाटन होता है। विपाटन हमने बताया किस वजह से होता है, कि पहले से आंतरिक कोशों में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन आपस में प्रतिकर्षण से क्या होता है, डी कक्षकों का विपाटन होता है, डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है, जिससे कि क्या होता है, कुछ कक्षक जो होते हैं वो औसत ऊर्जा से कम ऊर्जा के बनते हैं और कुछ जो होते हैं औसत ऊर्जा से उच्च ऊर्जा के बनते हैं। यानी कुछ में लो एनर्जी रह जाती है, कुछ में एनर्जी तो सेम रहती है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है, कुछ की एनर्जी, जैसे मान लो कि एनर्जी 5 d ऑर्बिटल्स हैं, उनके पांचों की एनर्जी 5-5 है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, जब इनका विपाटन होगा तो कुछ किस में चले जाएंगे, कुछ 2 में आ जाएंगे, 3 में आ जाएंगे, और कुछ किस में चले जाएंगे, 6 और 7 उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं और सेम एनर्जी वाले निम्न ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। इसके बाद अगर अपन देखें तो इलेक्ट्रॉन का पुनर्वितरण होता है, इलेक्ट्रॉन के पुनर्वितरण से क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, और जिससे कि CFSE निकलती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, जिसके अपन देखते हैं कई सारे अनुप्रयोग होते हैं, कई जगह है ये काम आती है। सबसे पहले तो ये है कि ये कॉम्प्लेक्सेस के स्टेबिलाईजेशन में काम आती है। इससे अपन को पता चलता है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स स्थाई होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स अस्थाई होगा। जैसे कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है, आपको 4 कॉम्प्लेक्सेस दिए जाते हैं कि इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है या सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड किस में पाए जाते हैं, तो ये अपन CFSE से ही निकालते हैं। जिस कॉम्प्लेक्स की CFSE सबसे ज़्यादा होती है वो कॉम्प्लेक्स सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, और जिसकी कम होती है वो कम स्टेबल होता है, ठीक है। तो CFSE के अनुप्रयोग में अगर अपन देखें तो इसके अंदर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ का पता चलता है, ऊष्मागतिकी गुण का पता चलता है, जिसमें भी अपन स्थायित्व ही देखते हैं। इसके द्वारा कलर का पता चलता है, जैसे जितने भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के आधार पर इनके रंग की व्याख्या की जाती है। जैसे कि यदि अधिक मात्रा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो उसके अंदर कलर भी उसका अधिक गहरा होगा, अधिक डार्क होगा, और यदि इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, कम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ये अपन आगे की क्लासेस में देखेंगे, जिसमें अपन पढ़ेंगे चार्ल्स ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, जिसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा कॉम्प्लेक्सेस की कलर की व्याख्या की जाती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें देखते हैं अपन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, चुंबकीय गुण देखते हैं, चुंबकीय गुण में अपन देखेंगे जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वे अनुचुंबकीय होते हैं, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी उपस्थित नहीं है वे प्रतिचुंबकीय होते हैं। इस तरीके से अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कई तरीके की होती है, जैसे पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, जिसमें कि आयरन, निकल, कोबाल्ट ये आते हैं। तो जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे आपके पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय, जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे वो होंगे आपके प्रतिचुंबकीय या फिर डायमैग्नेटिक। इसके बाद अपन देखते हैं एडसॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, अवशोषण स्पेक्ट्रा देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया चार्ल्स ट्रांसफर स्पेक्ट्रा आगे की क्लासेज में पढ़ेंगे, वो भी किसके द्वारा देखा जाता है, CFSE के द्वारा ही देखा जाता है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें ही जैसे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, एडसॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ये सब क्या है, VBT के द्वारा व्याख्या इनकी नहीं की गई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा इनकी व्याख्या नहीं की गई, संयोजकता बंध सिद्धांत। इसलिए संयोजकता बंध सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए क्या आया था, CFT आया था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई थी, क्रिस्टल विभाजन थ्योरी आई थी। इसके द्वारा इन सब प्रॉपर्टीज़ को जो है आपके, जैसे ऊष्मागतिकी, उनका रंग, उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति और अवशोषण स्पेक्ट्रा को वर्णित किया जा सकता है या फिर उनकी व्याख्या की जा सकती है। इसलिए अपन VBT की जो कमियां थी उनको ओवरकम करने के लिए क्या आया आपके, CFT आया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसके इसमें सबसे मेन है CFSE, स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, जिसकी आगे की और अपन आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे।